दोस्तों, हो सकता है आप इस चीज़ को सुने हो या नहीं सुने हो, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि द्वारकाधीश, जो कि हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा और बहुत ही पवित्र स्थल है, तो वहाँ पर बहुत ही स्पीड गति से तूफान आया, जो कि 150 किलोमीटर की गति से था। और वैज्ञानिकों ने इसका दावा किया कि ऐसे ही आएगी और ऐसा हुआ भी, लेकिन लोगों का कहना था, वैज्ञानिकों का कहना था तथा कुछ प्रशासन तथा अलग विज्ञान के माध्यम से पुजारियों को बोला गया कि आप दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि जो द्वारकाधीश जो मठ है वो ढह सकता है इस तूफान में, वो कुछ उसका नुकसान हो सकता है। तो जितने भी पुजारी हैं, जितने भी लोग हैं, वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए। लेकिन पुजारियों ने ऐसा नहीं किया। पुजारियों ने बोला कि कोई बात नहीं, जितना तेज गति से तूफान आना है आएगा। और उन लोगों के द्वारा दो सूत बांध दिए गए तथा दो ध्वजा लगा दिए गए तथा बोला गया कि कोई बात नहीं, जितना भी तेज गति से तूफान आएगा यह सूत दोनों तरफ से काट देगी तथा इस ध्वजा के माध्यम से जो गति जो आ रही है उसको चीर करके अपना रास्ता दे देगी और इस मठ को कुछ नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम सनातन धर्म की इतना बड़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म बरसों से आया हुआ है और द्वारकाधीश जो है वो ऐसे ही तूफानों से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो आज अगर कोई तूफान दिया जाए तो उसे उसकी क्या बिगड़ने वाली है। और यही बात तो उन पुजारियों की साबित हुई, जो हमारा धर्म है वो आज अच्छा साबित हुआ, सच्चा साबित हुआ तथा आज उसे बिगाड़ने वाला कोई नहीं। और विज्ञान फिर से हार गई, क्योंकि विज्ञान का कहना था कि इस मठ को तोड़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस मठ की एक बाल भी बांका नहीं हुई।